आप डकैत कैसे बने? बिहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन सच जो है वो इस सबसे ऊपर है। जो कुछ तुमने कहा है वो उचित तो है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, बशर्ते कि सारा का सारा विश्लेषण हम सचमुच मार्क्सवादी नजरिए से करें। लेकिन इसी का तुम गारंटी दे सकती हो? हमें इसके लिए सचमुच के विद्वानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्हें तुम कहां से लाओगे? क्या तुम्हारे पास है वो, क्या हमारे पास है? जाहिर है ऐसे विद्वानों के बिना इन सारी बहसों का मतलब लफाजी और मगजमारी भर रह जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से सब कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस मामले में मैं आपसे सहमत हूं। मैंने भी बर्लिन में अपने लोगों को सेक्स के मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से रोका, और मालूम है क्या हुआ? मुझे फिलिस्तीन होने का खिताब मिला। इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्लारा। जहां तक इन मुद्दों का सवाल है, खुद मुझ पर भी पाखंडी और भोगवादी होने का आरोप लगाया गया है। मैं इसे अपने संघर्ष का एक हिस्सा मानता हूं। खैर, हम इससे भी निपट लेंगे। नहीं क्लारा, हम मार्क्सवादियों की नजर में जो प्रेम की आजादी का नक्शा है, उससे इन बातों का कतई लेना देना नहीं। लेनिन साहब, तो आप मुझे ये बताइए, हम मार्क्सिस्ट प्रेम की आजादी का क्या मतलब लगाएं? फ्योदोर आर्मंद अभी नहीं है, मुझे बहुत दुख है। जब उन्होंने 1915 में इस पर एक पर्चा लिखा था, तो मेरी उनसे बहुत जोरदार बहस हुई। फ्योदोर आर्मंद आजकल है कहाँ? आजकल हमने उन्हें कॉकेसस में आराम करने के लिए भेज दिया है। वो अपने लड़के के साथ वहीं छुट्टियां बिता रहे हैं। इनमें से किसी को नहीं मालूम है कि ठीक इसी वक्त रूस के आर पार एक तार भेजा जा रहा होगा, जिसमें कुछ भयावह शब्द होंगे। कॉमरेड इग्नेसा डाइड, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेव हर। ये दुखद समाचार इन लोगों को दूसरे दिन मिल पाएगा कि इग्नेसा की मृत्यु हेजे के कारण हुई। 2 हफ्ते बाद 3 बजे ये लोग उसके ताबूत से कजान रेलवे टर्मिनल पर मुलाकात कर पाएंगे। उसके ताबूत को शव ले जाने वाली रथ पर रख दिया जाएगा, और लेनिन बड़ी दृढ़ता के साथ कहेंगे, मैं इस ताबूत के पीछे पीछे पैदल ही चलूंगा। किसी को उनका विरोध करने का साहस नहीं होगा। खैर, ये बात तो बाद में होगी, जब वो तार यहां पहुंच जाएगा। लेनिन साहब बैठिए, आपने बताया नहीं हम मार्क्सिस्ट प्रेम की आजादी का क्या मतलब लगाए। क्लारा, ये आजादी प्रेम की बुनियादी भावनाओं से अलग होने की आजादी तो नहीं है। ये आजादी व्यभिचार की आजादी भी नहीं है। ये आजादी शायद प्रेम के भौतिक। ये कितना उलझा हुआ सवाल है, और ये कितना आसान है कि कोई गुमराह हो जाए और उस पर पाखंडी होने का आरोप लग जाए। गुड हेवंस, मुझे अपने ऊपर बहुत खौफ है। और उस बहस से उन्होंने मसले को बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ तो उन्होंने सर्वहारा औरत को रख दिया जो स्वच्छंद सेक्स जिंदगी गुजारती है, और दूसरी औरत को रख दिया कि जो जिसका सिर्फ एक ख्वाब है कि उसका पति अमीर होना चाहिए, और पूरी शाम में यही फैसला करने में लगे रहे कि इन दोनों में बदतर कौन है। बदकिस्मती तो ये है कि दोनों ही मरने की औरतें हैं, इसलिए दोनों ही बदतर। मुझे लगता है क्लारा, सेक्स में सिर्फ आदमी की प्राकृतिक वृत्तियां ही नहीं, बल्कि उस आदमी पर पड़े हुए सभ्यता के प्रभाव और संस्कार भी प्रकट होते हैं। इसलिए या तो हर चीज बहुत ऊंचे धरातल पर होती है, या फिर बिल्कुल घटिया और नीचे। या तो आप पुष्किन और तोल्स्टॉय को पढ़ने के लिए तरसते हैं, या फिर आपको वही अश्लील और घटिया साहित्य चाहिए। एक शब्द है क्लारा, संस्कृति। संस्कृति, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज हालांकि हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को फीके और उदास रंगों में देखने के आदि होते हैं, लेकिन हमें मालूम है क्लारा के सपने कैसे देखे जाते हैं। तुम देखना, एक दिन हम संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियों से सारे संसार को आश्चर्य में डाल देंगे, तुम देखना। No, हाँ क्लारा, मैं स्वप्नदर्शी हूं, मैं रोमांटिक हूं,
रूस जैसे एक महान देश को बिना स्वप्नदर्शी और रोमांटिक हुए भला कोई क्रांति की शुरुआत कैसे कर सकता है। मैं यकीन करना चाहता हूं कि जीत हमारी ही होगी, और तुम देखना जब हम कामयाब हो जाएंगे तब लोग ठीक तरह से समझ पाएंगे कि बोल्शेविक इस देश के लिए क्या क्या कर सकने में समर्थ है। मैं चाहूंगा लोग 1920 के इस भूखे और सर्द सालों को याद करें। पछतावा है तो बस ये कि उन विस्मय का ही दिनों को देख पाने का हम में से किसी को भी सौभाग्य नहीं होगा। खैर, क्या होता है क्लारा, जश्न मनाओ। और आपका क्या फैसला है? इसका फैसला तो सेंट्रल कमेटी के हाथों में होगा क्लारा। यह फैसला आसान नहीं होगा। मुझे एक और जोरदार लड़ाई अपने कॉमरेडों के साथ लड़नी होगी, जैसी ब्रेस्ट लेते समझौते के दौरान जर्मनों से लड़नी पड़ी थी। हम लोग किसी तरह से सर्दियां निकाल देंगे, लेकिन रंगल से मुकाबला अभी बाकी है। इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम रूसी जनता को बिना किसी सख्त जरूरत के एक और युद्ध में झोंक सकते हैं उसका आतंक झेलने के लिए? हमारे लोगों ने हालांकि ऐसी बदहालियां खूब झेली हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। हम लोग 1914 से लगातार युद्ध में हैं, और अब फिर चले जाएं, फिर से लड़ाई के मोर्चों पर, फिर से भूखे रहें, फिर से मौत की बर्फ में जम जाएं। युद्ध की भयावहताओं का ख्याल ही मेरे लिए असहनीय हो जाता है। जाने वाले सिपाही से पूछो कॉमरेड, मैं भर्ती होना चाहता हूँ। भर्ती होने के बाद तुम्हें कौन सी सुविधाओं और प्राथमिकताओं की उम्मीद है? खतरों का सामना करने की प्राथमिकता। भविष्य के बारे में तुम्हारी कल्पना क्या है? कुछ नहीं। तुम क्यों भर्ती होना चाहते हो? जब मेरे कॉमरेड एक एक कर मर रहे हो तो मैं चुपचाप किनारे खड़ा देख नहीं सकता। मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। जो कुछ मैं सोचता हूँ इस शपथ पत्र में लिख रखा हूँ। क्या अब मैं इसे पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ो। ये मेरी अटूट प्रतिज्ञा और एक कम्युनिस्ट की शपथ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोल्शेविक का सदस्य बनने के बाद मैं अपनी इच्छा से पूरी होशनवास में और बिना और निजी फायदे के ख्याल से ये प्रतिज्ञा करता हूँ।
सखी शहर गोला उछलता लहू चूर भू बन गया। रात की नल छटे है अंधेरा भी है सुबह क्या कुछ उजाला उजाला भी है। हम दमो हम दमो हम दमो हम दमो हाथ में हाथ दो हाथ में हाथ सूर्य मंदिर चलो सूर्य मंदिर चलो मंदिर प्यार की मंदिर प्यार दोष पर अपनी अपनी सलीबें उठाए चलो